को नमस्कार। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत ऑफी यार्जी और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरुण कुमार जी, कोषाध्यक्ष नरसिंह सर और तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष मधु सर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। और साथियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि इन्होंने अपना बेशकीमती समय इंडिया प्रजाबंधु पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई को दिया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि आपने अपना कीमती समय निकाला। छत्तीसगढ़ इंडिया प्रजाबंधु पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश भारती जी से और प्रदेश महिला विंग के अध्यक्ष उमा पांडे जी से, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मेश्राम जी से, प्रदेश कुमार होरी राम, विजय सिंह, मनोज कुमार गुप्ता, टेकू राम, विनोद रजन, विजय सिंह, अनंत आदिलाल आदि से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत करें। जय भीम। डेरा और मुंबई भाटा क्षेत्र से जितने भी हमारे साथी उपस्थित हुए हैं, आज पार्टी प्रवेश करेंगे। सालोमन जॉन जी, डी आनंद जी, इस्माइल कुमार जी, विजय कुमार जी, अनूप मसीह जी, राजा नामदेव जी, सेनापति जी, जी राणा जी, राजा जी पूरे परिवार सहित निर्मला सालोमन, विनीता पॉल, राजकुमार वाडेकर जी, उमा वाडेकर जी, अजय विजय अभिषेक रावल जी, आप सभी कृपया आए और फूलमाला से स्वागत करें राष्ट्रीय अध्यक्ष का और हमारे अन्य पदाधिकारियों का। और आप भी अपना आशीर्वाद आप सभी इन्हें प्रदान करें कि पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज इन्होंने इंडिया प्रजाबंधु पार्टी के प्रदेश इकाई का सदस्यता लेनी स्वीकार की है। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि मैं सभी पत्रकार साथियों से एक बार पुनः निवेदन कर हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन तो होगा ही, साथ ही बहुत ही हर्ष का विषय है कि आगामी दिसंबर माह में छत्तीसगढ़ प्रदेश में नगरीय निकायों के जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। जय भारत। बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, ये हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के राज्य में इतने सारे पत्रकार लोगों से हम मिल चुके रहे, मिल सके और बातचीत करें दिल खोल के। और जितने भी भाई लोग, बहन लोग हमें इतने सादर रूप से स्वागत किए हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम छत्तीसगढ़ में एक प्रत्येक रूप से एक उद्देश्य के साथ आए हैं। अभी छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने नगर निगम के लोकल बॉडीज़ के चुनाव के बारे में घोषणा कर दिए हैं, ऐलान कर दिए हैं। बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में और सारे ज़िले में, अगर गिन के देखें तो पूरे ज़िले में 900 लगभग 900 स्थानों में चुनाव होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि हर जगह पे हमारे कैंडिडेट को खड़ा करें और चुनाव लड़े, लेकिन हमारे पार्टी अभी तक तो उतना मजबूत नहीं बनी। तो हम ये सोच बातचीत करने के लिए, सोचने के लिए
इधर आ चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के अध्यक्ष जो हैं हमारे सत्य प्रकाश भारती जी जो हैं हमारे साथ बैठे हैं, और हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, और मधु जी हैं, और मार्क बाबू जी हैं, रोमाला बाबू जी हैं, और नरसिमरू जी हैं, और शिवा जी हैं। ये सब हमारे राष्ट्रीय लीडर लोग हैं, हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य के जो कोई भी लीडर्स हैं उनसे दिल खोल के बात करके अपन सोचेंगे कितने स्थानों में हम खड़ा कर सकते हैं, कितने स्थानों में जीतने का मौका है, और कितने स्थानों में हमारी पार्टी मजबूत बनी है, ये देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सो इसके अभी इसके बारे में बातचीत होगा, डिस्कशन होगा, सब लोग मन लगा के सोचेंगे। जब तक हमारा अभी तक तो जो हमारा समझ में आ गया है, भिलाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दुर्ग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जगह में दुर्ग ज़िले में स्पेशली हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और दूसरे ज़िले में भी अभी देख रहे हैं, हम ढूंढ निकाल रहे हैं। कार्यकर्ता लोगों के भी सोच क्या है, विचार क्या है, वो भी जानेंगे, पूरे कार्यकर्ता लोगों से उनका सलाह ले लेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका भी जो निर्णय होगा, ये सब गिनती में लेके हम सेंट्रल हेड ऑफिस से एक निर्णय ले लेंगे। और आशा तो ये है कि लोगों के अंदर घुस के हमारा पार्टी चले जाए, क्योंकि सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम सब लोगों को अपने अपने माँ से प्यार करना है, हमको जन्म देने वाली माँ जो है उनसे प्यार करना है, और माँ को भी जन्म देने वाला माँ हमारा देश है, हमारा देश को भी प्रेम करना है। हमारा देश, हमारे बहुत प्यारी भारत माता भी बहुत खतरे में पड़ गई है। कितना बड़ा खतरे में पड़ गई समझने के लिए सिर्फ हमको मणिपुर के बारे में सोचना, याद करना है बस। अगर गए 100 लोकसभा चुनाव में वही पार्टी को 400 से ज़्यादा अगर सीट मिल गए तो सारा देश के 29 राज्य पूरे मणिपुर बन जाएंगे। वो लोग बोल चुके हैं, उनके कार्यकर्ता लोग, लीडर लोग, हम सारा देश को मणिपुर बना देंगे। ऐसा बहुत बड़ा खतरनाक सोच में है वो लोग। परमेश्वर की इच्छा है, अनुग्रह है कि वो लोग 400 पार नहीं हो सके, 300 भी पार नहीं हो सके, 223 में रुक जाना पड़ा। तो अब बोल रहे हैं कि हम संविधान को गौरव करते हैं, खदर करते हैं, अब बोल रहे हैं। लेकिन अगर 400 पार हो गया तो संविधान को गौरव नहीं, वो लोग बदलना चाहते हैं, नया संविधान लाना जहां पर दलित को कोई हक नहीं होगा, माइनॉरिटी को, दूसरे धर्म लोगों का कोई भी हक नहीं होगा, लोगों को मार भी डाले तो कुछ केस नहीं होगा, ऐसा संविधान लाना चाहते हैं। ऐसे मौके पे हमें इकट्ठा होने चाहिए, सारे माइनॉरिटी लोग, दलित लोग और महिला लोगों के सौभाग्य अगर होना है तो हम सब लोग इकट्ठा होके जो कोई भी इंसाफ को और इंसानियत को गौरव देने वाले जो कोई बहन है ना, सब लोग अपना अपना धर्म को, सिद्धांत को सब बाजू रख दे के इकट्ठा होके चुनाव में लड़ना चाहिए। हम सब लोगों को हर चुनाव में अपना आवाज़ सुनाना एक देश की आवश्यकता है। हम संविधान में भी प्रवेश करना है, असेंबली में प्रवेश करना है। अब जो कोई भी हम बात कर रहे हैं ना, देश में ऐसा अन्याय हो रहा है, महिला लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर बैठ के बात करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही बात हम संविधान में बात करना है, संसद में बात करना है, और असेंबली में बात करना है,
संविधान के जरिए से कौन सा हक कैसा हमारा तोड़ा जा रहा है, इसके बारे में असेंबली में पार्लियामेंट में बात करना है तो हमको एमपी लोग चाहिए, एमएलए लोग चाहिए। इसलिए हम तो एमपी के इलेक्शन में भी हम चुनाव लड़े हैं, सीट तो नहीं मिले लेकिन थोड़े बहुत वोट तो मिले हैं। सीट नहीं मिले क्योंकि वोटर लोग बिक जाने के लिए राजी हो गए। जब तक वोटर लोग बिकना चाहते हैं उनको खरीदने वाले तो रहेंगे समाज में। जिसके पास पैसा है वो लोग वोटा खरीद ले रहे हैं, जाके उधर लोकसभा में बैठ रहे हैं, और दलित लोगों के और शूद्र लोगों से जो दबे हुए लोगों के खिलाफ में कानून बना रहे हैं, संविधान को भी बदलने का इतने खतरनाक सोच कर रहे हैं वो लोग, बहुत डेंजरस है। तो द होल प्रॉब्लम, समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो इंसाफ के बारे में बात करता है उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो इंसाफ नहीं चाहता है, और इंसाफ ना चाहने वाले लोग जाके देश को शासन करने के लिए लोकसभा में बैठे हैं। ये खतरनाक एक सिचुएशन आ गया है, इसको बदलना है तो अपन मूल से उसका रूट से अपन ने इसको सोल्यूशन ढूंढना है, पूरा समाज को बदलना है। सबसे पहले वोटर लोग एक फैसला करना, एक निर्णय ले लेना है, कितने भी करोड़ों रुपए दो मेरा वोट मैं नहीं बेचूंगा। वोट को बेचना अपने माँ को बेच देने का बराबर है, ये तो माननीय श्री कांशीराम जी के कहना है। कांशीराम जी जो उनका सिद्धांत जो पहलाया है वो ये बात बोल रहे थे यूपी में, वोट को बेचना आपके माँ को बेचने का बराबर है। माँ को बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते, वोट को नहीं बेचना। ऐसा करके सब लोगों को कन्विंस कर दिया उन्होंने। वो महान आदमी तो हमारे बीच में भी नहीं है, अगर कांशीराम जी रहे तो अगर देश की पूरा स्टोरी अलग दिशा में चलती है, लेकिन वो महान आदमी अभी नहीं रहा, उनको हम दिल से गौरव देते हैं, नमस्कार करते हैं। तो अब क्या है बोलो तो लोगों को एजुकेट करना है, सिखाना है सही सोच क्या है, अच्छी सोच क्या है, वो विचार उनको सिखाना है। आपकी पार्टी कब बनी? ये 6 साल हो गया साहब, हमारे हाँ पूरे 29 शेष में पंजाब में हमारे पार्टी के 2 सरपंच लोग जीते हैं, जम्मू में भी है, केरला में भी है, पूरे 29 राज्यों में है। सर आप बोले कि 6 वर्षों से आपकी पार्टी बन चुकी है जी, क्योंकि अभी आपने बहुत अच्छी बात कही मणिपुर वाली, आपने बात कही मणिपुर के जैसे पूरे देश को बनाना चाहते, मणिपुर में जैसे हिंसाएं जैसे होती, छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों से लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, नारायणपुर की बात करें, कोंडागांव की बात करें, कवर्धा की बात करें, बलौदा बाजार की बात करें, लोहारीडी की बात करें जी, इस पे आपकी जो इंडिया प्रजा बंधु पार्टी है किस प्रकार की भूमिका निभाई? क्या आप लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई जांच समिति या कमेटी गठित की? जी जी, हर जगह पे, आप फॉर एग्जाम्पल कोंडागांव आप भूल गए, वो नाम बोलना, नारायणपुर से मुसी में आ जाते हैं तो कोंडागांव बोल निकाल, उधर से शुरू करके आप जो कोई भी जगह बोले, हर जगह हमारे लोग जा चुके हैं, वो लोगों को विजिट करके उनको हिम्मत देके उनके साथ काम करने के लिए फैसला करें, और स्थानीय कलेक्टर लोगों के पास, कलेक्टर साहब के पास जाके रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, विनती पत्र दिए हैं। ऐसा दबे हुए लोगों को हर जगह पर हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी उन्होंने गए हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग गए हैं, कलेक्टर से मिले हैं, एसपी से मिले हैं, कोंडागांव से तो 40 फैमिलीज को घर गांव उसका शहर से निकाल दिए हैं, जंगल में चले गए, वो सारे लोगों से हमारे प्रेसिडेंट साहब मिले हैं, मिलकर बात करे हैं, कलेक्टर से भी बात करे हैं, उधर पुलिस का एक आउटपोस्ट रखना, फिर उनको अपने घर में लाना बोल के डिमांड करे हैं, हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी के द्वारा वहाँ पे इंटरफेयर करने से क्या परिस्थितियाँ बदली? अभी कलेक्टर से हमें एक अश्योरेंस मिला है,
हम इसको ठीक करेंगे सिचुएशन को, आप इसको ज़्यादा गड़बड़ मत करना। उन लोगों को फिर गांव में लाने के लिए उधर पुलिस आउटपोस्ट रखने के लिए हम कोशिश करेंगे बोल के कलेक्टर साहब हमको अश्योरेंस दिए हैं, वायदा दिए है, ऐसा है। सो हम काम तो कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक्टिव है। मैं बिल्कुल सहमत हूं बात से, पर वहां पे तो अभी भी स्थितियां परिस्थितियां वैसी की जस की तस है, ना कोई स्थिति बदली ना कोई परिस्थिति बदली। जब तक परिस्थिति बदलने तक हम तो संघर्ष करते जाएंगे। अगर कलेक्टर साहब से नहीं हो सका गवर्नर साहब के पास जाएंगे, प्रमिशनर साहब के जाएंगे, सो अपन संघर्ष तो करते रहेंगे। अभी कहां चुनाव कहां कहां लड़ रहे हैं, नगरी निकाय है, नगर? अभी तो दुर्ग जिले में अपन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करे हैं और दूसरे ज़िलों में भी अब सोच रहे हैं। इसमें इसका लिस्ट फाइनलाइज करने के लिए तो अभी आए हैं हम, स्थानीय कार्यकर्ता लोगों से बात करके जिधर जीतने का मौका है वो मीटिंग पे आया है। क्योंकि आगामी 13 तक नवंबर को रायपुर दक्षिण का विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे किस प्रकार की बूथ स्तर की तैयारी है आपके द्वारा पार्टी की? वो भी अभी अपन पार्टी का मीटिंग कार्यकर्ताओं का मीटिंग में फैसला लेंगे। हमारे राजकीय अध्यक्ष हैं सच प्रकाश जी, हम मिलके सोच के एक निर्णय लेंगे। हाँ तो ऐसी बात है। और आज का दिन एक 30 एक्टिव कार्यकर्ता लोग जो है हमारे पार्टी में शामिल होने के लिए इधर आ चुके हैं। अभी पत्रकार लोगों का समय अपन वेस्ट नहीं करना बोले। छत्तीसगढ़ सरकार क्या अच्छा काम कर रही, कैसा काम कर रही, क्या लगता है? अभी छत्तीसगढ़ सरकार के काम कैसा कर, अच्छा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, अभी अपन अभी तो एक मिनट पहले कोंडागांव के बारे में पूरा अपन बातचीत करें ना सा। ये तो अच्छी सरकार, ऐसा है तो ये जुर्म करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और सर ऐसे काम करने के लिए लोगों में हिम्मत नहीं रहने चाहिए, डर पैदा होने चाहिए। अच्छी सरकार है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को इनकरेजमेंट मिल रहा है लेकिन उसका दिल में डर पैदा नहीं हो रहा है, हम ऐसा करेंगे कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बन गए लोग। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, तो इसके बारे में हम तो बहुत दुखी है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। हमें अच्छा सरकार चाहिए जो ऐसे क्रिमिनल्स के दिल में डर पैदा कर सके, ऐसा सरकार चाहिए। जी हाँ, सजा देने से उनका दिल में डर पैदा होता, इतने सारे जुर्म हो रहा है किसी का सजा नहीं हो रहा है, मासूम लोग जो है जंगल में भाग जाना पड़ रहा है, ये कहीं कहीं सरकारी है क्या भाई? अच्छा एक आखिरी सवाल है, अभी लगातार छत्तीसगढ़ में काफी मतलब दिनों से लगातार हिंसाएं बढ़ रही है, लूट डकैती चाकूबाजी ये सब आम बातें हो गई, हत्या भी हो रही है, इस पे आपकी पार्टी किस प्रकार से ऊपर है? ऐसा जुर्म क्राइम करने वाला कौन सा भी धर्म का हो, कौन सा भी मजहब का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसके बारे में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है कोई जुर्म कर रहा है उसके बारे में कोई पॉलिटिशियन का फोन आता उसको अरेस्ट मत करो, उसको कुछ मत करो बोलते, ऐसा पुलिस व्यवस्था जो है वो भी काम नहीं कर सक रहे। आपकी पार्टी में किस प्रकार की भूमिका है, क्योंकि आज तक आपकी पार्टी इस तरीके की निर्णायक भूमिका में दिखती है? हमारी भूमिका ये है, जब भी ना इंसाफी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उधर हम जाके दबे हुए सो अन्याय जिसके साथ हो उसके उससे साथ हम खड़े हो। सड़क पे कहीं नहीं दिखती ऐसा कहना है उनका कि सड़क पे कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि विरोध तो जाना एक अभी तो आता है, प्रदर्शन होता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जिधर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हमारा अध्यक्ष भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता लोग भी जा रहे हैं, लोग से बातचीत करके उसका क्या है प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट के सामने लेके जा रहे हैं प्रॉब्लम को। अभी हम भी लकड़ी लेके उधर लड़ाई करने के लिए नहीं ना,
कानून के साथ फाइट कर। लीगल वे पे कर लीगल वे के बाद भी अगर उनको लगता है या पार्टी आला कमान को लगता है कि नहीं अब उनको उनकी भाषा में जवाब देना, तो हमने धरना प्रदर्शन भी किया है, भूखा ताल पर बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बाकायदा सीबीआई की रेड भी पड़ी है। तो हर प्रकार का जो एक नियम कानून होता है सारा अपनाया जाता है, ऐसा नहीं केवल हाथ जोड़ के निवेदन कर। कानूनी संघर्ष करेंगे, कानूनी संघर्ष ज्यादा है, गैर कानूनी संघर्ष नहीं कर सकते। संविधान को बदलना नहीं चाहिए, संविधान को वैसे के जैसा है वैसा ही कंटिन्यू करना चाहिए। संविधान को बदलना देश का सत्यानाश करना हो जाएगा, इसके हम ये सोच के विरोध है, हम खिलाफ है, हम उसको रोकने का हर कोशिश करेंगे। संविधान नहीं बदलना चाहिए। मैं इंडिया प्रजाबंधु पार्टी का राष्ट्रीय व्यवस्थापक अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अद्दंकी रंजीत ओफीर, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष जो है सत्यप्रकाश भारती जी हमारे लेफ्ट साइड में हैं, और हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हमारे अरुण कुमार साहब है, और अलग दूसरे लीडर लोग भी आए हैं हैदराबाद से। हमारा नेशनल ऑफिस हैदराबाद में तेलंगाना में है। हमारे का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकल बॉडीज़ का नगर निगम का इलेक्शंस होने वाला है, बोलकर घोषणा हो चुकी है। तो ये नगर निगम इसमें 900 लगभग स्थानों में चुनाव होने वाला है। ये 900 स्थानों में से कितने स्थानों में हम फाइट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ये देखने के लिए एक अंदाज़ा ले लेने के लिए और हमारे कार्यकर्ता लोग से सोच के जो है कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए हम इधर आए हैं। ये हमारे आने का उद्देश्य है। हम सारे छत्तीसगढ़ के वोटर लोगों से हमारा ये विनती है कि आप इंडिया प्रजाबंधु पार्टी को मजबूत बनाए, आपके मदद दें, आपके वोट दें, क्योंकि हम ये संविधान के ज़रिए से हर हिंदुस्तानी हर इंडियन को अच्छा सही संभाल के सलामत से रहना बोल के हम कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। संविधान को बदलने का हर कोशिश को हम रोकने का कोशिश कर रहे हैं। संविधान को बदलना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के हम फॉलोवर से अम्बेडकराइट है। संविधान को अपन प्रोटेक्ट करना है और संविधान के ज़रिए से हर हिंदुस्तानी को अपना हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी में हिंदुस्तान में शांति होने चाहिए, हर धर्म के दूसरे धर्म के बीच में शांति होने चाहिए, संघर्ष नहीं, फाइटिंग नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, सारे धर्म के लोग अच्छा मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के लिखा हुआ सो संविधान हमारे लिए ज़रूरी है। वो बदलने के लिए जो पॉलिटिकल फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम काम कर रहे हैं। संविधान को अपन रख लेना है, प्रोटेक्ट कर लेना है, हर आदमी को अपना हक मिलना है, सारा हिंदुस्तान एक स्वर्ग बन जाना है। ये इंडिया प्रजाबंधु पार्टी का उद्देश्य। इंडिया प्रजाबंधु बोले तो प्रजाबंधु हर इंडियन हमारा बंधु है, ये हमारा सिद्धांत। सारी पार्टियां चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करती हैं, इसमें शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कोई पार्टी आने के बाद बंद नहीं करती, बंद नहीं करती पार्टी, ऐसा कुछ करेगी? हाँ, अभी हकीकत यह है कि सरकार को जो 100 रुपया इनकम आता है ना, उसमें 60 रुपया टोबैको और दारू से आता है। उसको टोबैको और दारू को अगर बंद कर दिया ना, 100 रुपये का आमदनी में 60 रुपये कट जाके 40 रुपया गवर्नमेंट को आएगा। उसके बाद बंद करने के बाद सेक्रेटेरिएट में तनख्वाह देने के भी पैसा नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास। ये हकीकत है, इसके लिए वो लोग बंद नहीं कर सकते। बंद करेंगे बोल के बोले, अगर हम आए तो लेकर जाएंगे आप लोग, अगर हम आए तो हमारा फाइनेंशियल पोजिशन अपना पॉलिसी अलग ही है। ये क्या है, क्यों पैसा नहीं आ रहे बोले तो, जो कोई भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है ना, ये फ्री वो देना, फ्री ये देना, पूरा मुफ्त में देना बोल के पैसा पूरा वेस्ट कर दे रहे हैं। वो पैसा किसी को कुछ भी फ्री नहीं देना,
हर आदमी के इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, पॉवर्टी लाइन जो है देख के, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है ना उसको फ्री में एजुकेशन, फ्री में मेडिसिन देना, अबव पॉवर्टी लाइन में जो है ना जात कौन सा भी हो उसको को लेकर जाएगी। अभी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस मुद्दे को लेकर लड़ेगी, यहाँ की मुद्दे रहेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, कास्ट के बेसिस में रिजर्वेशंस नहीं, पॉवर्टी लाइन के बेसिस में है। अभी बोलो तो पॉवर्टी लाइन के बिलो में ब्राह्मण भी रह सकता है, क्षत्रिय भी रह सकता है। मुद्दे क्या रहेंगे जो छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे आपके? स्थानिक मुद्दे में क्या है बोले तो, स्थानिक मुद्दा बहुत सारे, अभी लाइन ऑर्डर नहीं रहा इधर, अभी हर गांव में जो है लड़ाई हो रहा है, एक दूसरे को मारपीट हो रहा है, लोगों को भागना पड़ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इज द मेन मुद्दा, हमारा मेन मुद्दा, वो मुद्दे को लेके हम जाते हैं। इंडिया प्रजा बंधु पार्टी में प्रवेश किया है, प्राथमिक सदस्यता ली है। मैं उनको नाम के साथ एक बार पुनः यहाँ आमंत्रित करूंगा, जिनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आनंद जी आइए आइए, माई कुमार जी नाम मैं लेते जा रहा हूँ, आप लोग आते जाइए, और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों, हमारे पार्टी का जो गमछा कहते हैं वो, और बहुत बड़ा स्वागत आपका, सब जोरदार भाइयों का, डी आनंद जी, स्माइल कुमार जी, विजय कुमार जी, अनूप मसीह जी, राजा नामदेव जी, सेनापति जी, तालियां लगातार बजते रहे भाई, बहुत भले मतलब जी, ग्राहम जी, राजा जी, इनका पूरा परिवार आया हुआ है, निर्मला सालोमन जी, विनीता पॉल जी, राजकुमार वाडेकर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वेलकम, विजय जी, बाबल जी, प्रीति जी, आप सभी कृपया वेलकम सर, और पार्टी का ये कब्जा स्वीकार करके पार्टी के प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करें। वेलकम 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 टू द पार्टी। बहुत बड़ा स्वागत आप, बहुत बड़ा स्वागत आप, और जैसे स्वागत संविधान। जय महिला बंधु, जय महिला बंधु, महिला बंधु, वेलकम इनटू द पार्टी, वेलकम इनटू द पार्टी, बहुत बड़ा स्वागत है। पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को उन्होंने पूरे गर्मजोशी के साथ पार्टी में प्रवेश दिलवाया है। यादव राव जी से मैं निवेदन करूंगा वे भी कृपया आ जाए, ये बच्चे भी आ गए यादव राव के, पार्टी में आना चाहते हैं, वेलकम, वेलकम, दीपा मुठिया ये कैंडल है दिया है
जय भीम, जय भीम, जय इंडिया परजय बंधु पार्टी, जय इंडिया परजय बंधु पार्टी, जय रंजीत भाई, जय रंजीत भाई, जय रंजीत भाई, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय प्रजा बंधु, जय जय प्रजा बंधु, जय प्रजा बंधु, जय प्रजा बंधु, जय रंजीत भाई, जय रंजीत भाई, जय जय भाई। सत्य प्रकाश भैया आपके साथ हैं हम सभी का उठाई जय भीम, जय भीम, जय रंजीत भाई, जय भाई, जय रंजीत भाई, जय रंजीत भाई, जय रंजीत भाई, जय रंजीत भाई, रंजीत भाई को सोच विचार धारा जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, रंजीत भाई को सोच विचार धारा जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ तेलंगाना जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ तेलंगाना जिंदाबाद, 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 जय प्रजा बंधु, जय प्रजा बंधु, जय प्रजा बंधु, जय प्रजा बंधु, जय रंजीत भाई, जय रंजीत भाई। रंजीत अन्ना जिंदाबाद, 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 थैंक यू वेरी मच, जय भीम, जय भीम, सबको धन्यवाद। निकालो भैया जरूर चलो सर पे हाथ रखते उस तरफ चले जाओ आप सम्मान करना चाहते बाबू जी है हमारे शिवाजी इंडिया प्रजा बंधु पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश भारती जी दो शब्द कहें और छत्तीसगढ़ राज्य में जो नगर निगम के लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन के लिए चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है इसके लिए हम इंडिया प्रजा बंधु पार्टी नाम का एक राष्ट्रीय पार्टी है पूरा देश में हमारा पार्टी है 6 साल हो चुके हैं पार्टी एस्टेब्लिश करके मैं इंडिया प्रजा बंधु पार्टी का मैं राष्ट्रीय व्यवस्थापक अध्यक्ष हूँ मैं और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं सत्य प्रकाश भारती और हमारे सेंट्रल कमेटी से भी जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार साहब नरसिम्हुल साहब मधु साहब सब लोग आ गए ये सोचने के लिए और मौका अवसर देखने के लिए कितने सारे स्थानों में खड़ा कर सकते हैं ये लोकल बॉडीज में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेनली अभी तो हम दुर्ग ज़िले में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पूरे स्थान में अब हम कॉन्टेस्ट करेंगे लड़ेंगे चुनाव और काशीराम जी के सपनों को पूरा करने हमारे
स्ट्रिक्ट अम्बेडकराइट पार्टी है, महात्मा फुले से लेके कांशीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, उनका जो विचारधारा है उसको अमल करने के लिए पैदा हुए सो पार्टी है हमारा। हम लड़ेंगे इंसाफ के लिए, हर जात में महिला लोगों के लिए और दबे हुए लोगों के लिए, और संविधान को हम संभाल के रखने के लिए। संविधान को बदलने का कोशिश चल रहा है देश में, सब बदलना नहीं होना बोल के एक ज़बरदस्त राजनीतिक शक्ति को बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का नाम बदला गया कि दो पार्टी? बहुजन समाज पार्टी बोले तो कांशीराम साहब गुजर गए ना, अगर उन्होंने जिंदा रहते तो हम वही पार्टी में शामिल होते थे। अब कांशीराम साहब तो गुजर जी, अभी किसकी पार्टी? ये तो मैं व्यवस्थापक अध्यक्ष हूँ, मैं इसका नाम इंडिया प्रजा बंधु पार्टी, रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांशीराम जी का फोटो लगा हुआ है, कांशीराम का और बाबा साहेब का भी है, अंबेडकर साहब का है और महात्मा फुले का, ये सब लोग हमारे जो मार्ग निर्देशक है, वो जो रास्ता दिखाए हैं ना, वो रास्ते में चलते हुए ये नया भारत को बनाने के लिए, स्वर्ण भारत बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आपका परिचय बताएंगे? मैं डॉक्टर अद्दंकी रंजित ओफिर और मैं व्यवस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं 6 साल पहले पार्टी पैदा हुआ और हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है और राष्ट्रीय ट्रेजरर है, आप तो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष है सत्य प्रकाश भारती साहब, और हमारा वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। आप सभी को जय भीम, जय भीम और प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी जो पार्टी है इंडिया प्रजा बंधु पार्टी, और ये पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों के ये पार्टी का स्तंभ खड़ा किया गया है, इसलिए सभी के सम्मान पे, सभी के धर्मों पे IPVP खड़ी है मैदान। क्योंकि ये पार्टी जाति नहीं देखती, ना ही कोई इस पार्टी में भेदभाव है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के लिए संविधान है। कुछ देर पहले हमारी मीडिया भाई और बड़े भाई भी हैं, ये तो छोटे यही बनाते हैं और ज्यादा तो बड़े भी बना देते हैं, सवाल कर रहे थे कि आपकी पार्टी सड़कों पे नहीं। सही बात, हम सड़कों पे रहने वाली हमारी पार्टी नहीं, इंडिया प्रजा बंधु पार्टी सभी संविधान की सोच रखने वाले को जिलों में रहने वाली पार्टी। और हमारी पार्टी में कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं, मगर लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर के लोगों से पार्टी नहीं चलती, मगर ये मुट्ठी भर के लोग क्रांतिकारी है। और इंडिया प्रजातंत्र पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो एक कार्यकर्ता 100 के बराबर। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं जवाब दे सकता था मीडिया भाइयों को, मगर मैं इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मैंने उनको आदरणीय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, मैंने सम्मान करके उनको बुलाया, तो हमारे वो मेहमान है। 28 दिन मैंने धरना पे बैठा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, मैं किए बिल्डिंग के खिलाफ बैठा था 28 दिन। किसी पेपर वाले ने मुझे पूछने नहीं आए कि आप किस मुद्दे पर बैठे हो, और ये कहते हैं कि बोल के चले गए कि आप ज्ञापन देते हो, आप कलेक्टर से मिलते हो। भाई सबसे पहले कोई भी मुद्दा होता है, सूरजपुर में भी जो पुलिस वाले की हत्या हुई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भाई गुस्सा और उसकी जो भावना थी उस पुलिस वाले के साथ थी, उस बच्ची का हत्या करना, उसकी पत्नी को मार देना, इस तरह से गलत है, उसके खिलाफ मैंने जाकर ज्ञापन दिया। इस मीडिया वाले ने छापा, मैंने तो दिया, यहीं पे मीडिया वाले लोग हैं,
तो देखते हैं पढ़ते नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ने किया, आके बाइट लिए और न्यूज में नहीं चलाए। यही मीडिया वाले हैं, यही मीडिया वाले यहाँ पे बैठे हैं। मैंने रसीद कटाया प्रेस कॉन्फ्रेंस का और मुझे ये बोले कि न्यायालय में मामला चल रहा है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। यहाँ आके उन्होंने कहा, मैंने मीडिया से कहा अगर न्यायालय में मामला चल रहा है मुझे नोटिस आया होगा। नोटिस नहीं आया, आपके पास आया होगा, दिखा दीजिए दस्तावेज, नहीं दिखाए और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया। अब ये कहते हैं तो कहाँ से हमारी पार्टी दिखाई देगी, क्योंकि आपका साथ बहुत जरूरी है और मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होगा। आपको आईना की तरह हो, आईना दिखाना आपका काम है, तारीख को खोदना मेरा काम है। तो वो तारीख आपको निभानी चाहिए। भ्रष्टाचार का बढ़ावा सबसे पहले मीडिया वाले दिखाते हैं। जाति भावना की बात है तो आज बीजेपी की सरकार आई, हर जगह कवर्धा में, भिलाई में, रायपुर में, गिरदा में, अभनपुर में आपने प्रदीप मिश्रा को परमिशन दे दिया, उनका कार्यक्रम हुआ, आपने जोर शोर से चलाया। अरे छोटा सा मसीह समाज के लोग इकट्ठा होके अपने पुरोहित को बुलाना चाहते हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जाति और धर्म की बात हो रही है यहाँ पे। ये पार्टी हमारी बहुत ही साफ सुथरी पार्टी है और इस पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं, कोई अपराधी तत्व के लोग नहीं। और हम सबसे ज्यादा, हम आपको एक बात बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं वो तो इंडिया प्रजाबंधु पार्टी के हैं, मगर उनका जो ये गाना हैदराबाद में, एक उनका एक मिशन भी चलता है जो पार्टी से कोई महत्व नहीं रखता। वो एक धर्म गुरु भी है और अपने आंसुओं से प्रार्थना करके इस पार्टी को खड़ा करते हैं। इस पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता नशे में नहीं है, तो हम ऐसी ही नशे और शराब से दूर। हम सरकार को बोल नहीं सकते कि आप बंद कर दें, क्योंकि सरकार खुद इससे अर्थव्यवस्था चला रही है। सरकार एक तरफ कहती है शराब मत पियो और एक तरफ खुद बेचती है। ये सरकार का काम है शराब बेचना, बताइए सरकार बेचती है सरकार, इससे आप क्या उम्मीद रख सकते। और आप कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि हमारे लोग ही हमें वहाँ पहुँचने नहीं देते। हमारे लोग यहाँ पे जय भीम बोलते हैं, वहाँ जाके कुछ और बोलते हैं, तो किससे उम्मीद रखें भाई। मैं अकेला हूँ और अकेला लड़ाई लड़ता हूँ, और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मेरे पीछे सरकार नहीं है, मेरे पीछे संविधान है। और मैं संविधान के सुधारों की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं कलेक्टर से अगर सवाल करता हूँ उसके बाद जाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, फोन लगा के पूछता हूँ परमिशन मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा तुरंत ज्ञापन देता हूँ 7 दिन का और बैठता हूँ। हर किसी का भी पीड़ित कोई भी समस्या मेरे पास आती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए मेरे मीडिया पर भाई सगे भाई के साथ मिलकर, कुछ मेरे सलाहकार लोग साथ मिलकर विचार विमर्श करके मैं उस पर आगे बढ़ता हूँ। ये हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सर ने मुझे प्रभारी भी बनाया और 2020 से मैं प्रदेश अध्यक्ष भी बना। हमारी पार्टी छोटी से जरूर है, मगर हम छोटे स्तर से इस बार मेरे नेतृत्व में हम एक सिर्फ दुर्ग जिले का कमान को संभालने के लिए मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ आइए, छत्तीसगढ़ का दौरा कीजिए, कुछ कार्यकर्ताओं से मिलिए, मीडिया भाइयों से मिलिए, जो भी इनकी नाराजगी है उनको दूर करिए और यहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। छोटे से स्तर पे हम अपने नगर पालिका से शुरुआत करेंगे तो कोई वहाँ हल्ला मचाने वाला तो होगा। हमारे लोग वहाँ जाएंगे कम से कम संविधान के अनुसार में बात तो करेंगे। अरे 50% तो काम करेंगे, 80% कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार करके अब तो जेल में तो नहीं चले जाएंगे। आज क्या हुआ, 13 साल के बाद सरकार आए कांग्रेस की और सपने सुहाने में नहीं सोचे रहेंगे इतना उनके विधायक आ गए। भूल है वो कांग्रेस की, भूल है कि उनकी तरह से सरकार आई नहीं, ये जनता ने बदलाव की भावना रखी उनकी सरकार बन गई और अंबेडकर बेलू की विधायक बन गए। क्यों इस बार नहीं बन गए, क्यों नहीं बन गए भाई, क्यों तब से उनका नीचे आ गया स्तर, अब जेल जाने की पारी आ गई।
छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों का नाम, छत्तीसगढ़ के संस्कृति का नाम इन्होंने महादो एक में डुबा। तो मैं ज्यादा आप लोगों से नहीं यहाँ पे बोलूंगा, क्योंकि मैं छोटा भी हूँ और आप लोगों का छोटा भाई भी हूँ। इस पार्टी में जुड़ने से सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो आप लोग जैसे इस पार्टी में जुड़ते हैं तो समाधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दुआ प्रार्थना से भी ये पार्टी के स्तंभ को खड़ा किया है। अगर कोई बोलता है कि मिशनरी पार्टी है तो सभी धर्मों का यहाँ सम्मान है, यहाँ ईसाइयों का भी सम्मान है, मुसलमानों का भी सम्मान है, हिंदुओं का भी सम्मान है और हमारे जैनिक पारसी लोगों का भी सम्मान है और पंजाबी लोगों का भी सम्मान है। इसलिए यहाँ पर अन्य अन्य जाति के लोग यहाँ आए हुए हैं हमारे पार्टी में, अभी कुछ लोग पार्टी में प्रवेश किए हैं। पार्टी के मुख्य धारा को आप लोग समझ लिए और बाबा साहब के विचारों को आप लोग अपने दिल में रखे अपने घर घर तक पहुंचाने का काम करें। संविधान के अनुसार से मतदान भी नहीं दीजिएगा, हमको जरूरत नहीं है 1500 की, हमें जरूरत नहीं है 5 किलो राशन की, हमें जरूरत नहीं है आपके गाड़ी को 500 रुपये और 1000 रुपये हर महीना की, उसकी जरूरत नहीं है। आप हमको लायक बनाइए, हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए। आज इंडस्ट्री एरिया में आप लोग लिमिटेड नहीं करते हो, छत्तीसगढ़ लेवल एक्ट के तहत में आप हमें कुशल अकुशल अनुभवी अर्धकुशल को आप पेमेंट नहीं देते हो और आप बात करते हो नियम की, मतभेद और नियम, और आप नियम का विरोध और नियम के विपरीत यहाँ के जिलाधीश कार्य करते हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं नियम में बने रहे। हमारे राशन कार्ड में नाम जुड़ गया, ये कैसे जुड़ गया करके उसमें नियम लगाते हो तो फोटो कापी करा करके आज हमें प्रताड़ित करते हो और वहाँ हम जाते हैं नियम से तो आप प्रेस विज्ञप्ति के जगह आप सील मार के डिस्ट्रिक्ट थाने में नहीं देते हो, तो अत्याचार कौन करता है? प्रशासन के लोग करते, उम्मीद हमसे रखते। तो मैं छोटा सा आप लोग उस बीच में अपने विचार को रखा हूँ, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूँ, लड़ना चाहूँगा, सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ते यहाँ तक आया हूँ। हर किसी कार्यकर्ता के लिए मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। मैंने जीत हासिल की, मैं 4 दिन अनशन पे बैठा रहा, मेरे पास रात को कलेक्टर भी आए, SP भी आए, मेरे पास DM भी आए, मेरे से मिले आप अनशन को तोड़ दीजिए, मगर मैं तब तक मैं अपनी मांग को रखा और मेरे ही जांच पे आज पूरे अवैध में पूरे TA बिल्डिंग वाले कार्रवाई को करे और आज भी कर रहे हैं। 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस ने CBI को बेल लगा दिया था, मेरे केस में CBI को गजट पास हुआ है और CBI को छत्तीसगढ़ नहीं दी, मैंने वो काम करके दिखाया, इस पार्टी के बिना तने मैंने करके दिखाया। इस पार्टी में वो ताकत है और संविधान में वो ताकत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय प्रजा बंधु, जय।